हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अभी आप देख रहे हो कि मैंने एक इमेजिनरी सीन बनाई है जिसमें मैंने होल्स बनाई हैं, उसके थ्रू रेनबो बाहर आ रहा है और रास्ते में टू क्लाउड्स, आप दो क्लाउड देख पा रहे हो एंड पीछे सन है। ठीक है, तो ये जो होल है ये इट रिप्रेजेंट स्काई, तो स्काई का जैसे ब्लू कलर होता है तो ब्लू कलर करना है। एंड ये ऐसी ही सिमिलर पिक्चर मुझे मतलब नेट पे ही मिला था, पिनिंटरेस्ट से लिया है मैंने रेफरेंस। एंड और इसको अपने तरीके से मैंने बनाया है क्योंकि वो तो डिजिटल्स होते हैं ना, डिजिटल आर्ट्स, तो उनमें कलर्स अलग होता है। तो अभी यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि कैसा अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। और मैंने थ्री शेड्स ऑफ ब्लू यूज़ किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो लाइट टू डार्क। ठीक है, अभी सन और स्काई होने के बाद सन को तो नॉर्मल येलो ही किया है मैंने, और कुछ अभी नहीं किया है। अभी इसके बाद हम रेनबो शुरू करेंगे। रेनबो को कल के कलर्स तो आपको पता ही होंगे। मैं वायलेट से शुरू कर रही हूँ, वायलेट इंडिगो, देन ग्रीन, सॉरी लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, देन ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो दीज आर द 7 कलर्स। वाटर कलर एक बार डन होने के बाद मैंने उसके ऊपर, जब पूरा ड्राई हो गया था वाटर कलर, उसके ऊपर मैंने ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ किया है, सो दैट कलर्स एकदम खिल के आते हैं। ये थोड़े से ब्राइट दिखे तो बेटर है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब मुझे ज़रूरत नहीं लगा। एंड मुझे लगा कि थोड़ा डार्क करने से ये थोड़ा और प्रोमिनेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ इट। हाउ आपको ये कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।